हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के अपडेट को लेके, जहां पर परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है नर्सिंग के लिए। यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं एम्स भटिंडा की तरफ से आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट को लेके। पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको डिटेल्स पता लग जाएँ और कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट के लिए आई हैं, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसी आई है और कितनी पोस्ट आई हैं। तो नर्सिंग के लिए जो एसोसिएट जो प्रोफेसर हैं, उनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर है। लेक्चरर इन नर्सिंग, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, उनके लिए 4 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। लेवल आपका 11 होने वाला है। जनरल के लिए 2 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 1 है। ST और EWS के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जनरल को फाइट कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा जो एसोसिएट जो प्रोफेसर हैं, जिनके लिए एक पोस्ट रिजर्व रखी गई है, वो लेवल 12 में जॉब करेंगे। OBC कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। अब चलिए नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो नेक्स्ट पोस्ट है, वहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई हैं और दोनों ही जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। मतलब SC, ST, OBC, EWS सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th लेवल में आपको, मतलब 10th जो पे है वो आपको मिलने वाला है। जैसे नर्सिंग ऑफिसर में आपको 7th पे मिलता है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको 10th लेवल पे मिलने वाला है। ये बात हो गई वैकेंसियों की, किस पोस्ट के लिए है और कितनी पोस्ट हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर आपको अप्लाई ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। ऑफलाइन के लिए जो फॉर्मेट है वो भी अपन डिस्कस करेंगे और कहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, कैसे करना है, वो बातें भी बताने वाले हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग के लिए जो भी वैकेंसी निकाली गई है या फिर जो ANS की जो भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, दोनों ही टाइप की वैकेंसी में 80-20 रिजर्वेशन को लेके कोई बात इस नोटिफिकेशन में नहीं की गई है। मतलब ये है कि 80-20 रिजर्वेशन नहीं लागू किया गया है, जो कि एक गुड न्यूज़ हो सकती है। नर्सिंग की वैकेंसी आई है ANS की और वहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या रखा गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे एसोसिएट जो प्रोफेसर हैं उनके लेके। तो अप टू 50 ईयर तक अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते या कर सकती हैं आप। इसके अलावा MSc आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर MSc इंक्लूडिंग 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। MSc करने के बाद आपको 8 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें 5 ईयर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD इन नर्सिंग डिज़ायरेबल इनके द्वारा मांगी गई है। लेक्चरर इन नर्सिंग के लिए जो क्वालिफिकेशंस रखी गई है, एज लिमिट सेम है, 50 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री कंपलसरी मानी गई है। इसके अलावा रजिस्टर्ड होने चाहिए किसी भी नर्सिंग काउंसिल में, अप्लाई कर सकते हैं। और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, जिसमें से 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ANS को लेकर। ANS की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर 4 ईयर BSc नर्सिंग का कोर्स आपने किया हो या फिर 2 ईयर का जो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है वो कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 6 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल में। अगर ऐसा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। स्टाफ नर्स, जैसे मान लीजिए आप स्टाफ नर्स हैं या नर्सिंग ऑफिसर हैं और आपको 6 ईयर हो गए हैं, तो आप यहाँ पर ANS की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परमानेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ANS की परमानेंट वैकेंसी आई है, वरना लगभग यही होता है कि ऑटोनोमस बॉडी में डेपुटेशन बेसिस पर वैकेंसी आती हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम 3 ईयर की जॉब है वो मिल पाती है। इसके अलावा डिज़ायरेबल इन्होंने मांगा है कि MSc नर्सिंग अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर भी अगर आपके पास सुपरवाइज़र एबिलिटी है तो फिर आप ईजिली आपका सिलेक्शन होने के चांस वहाँ पर बनेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन जिस दिन एडवर्टाइजमेंट साइट पर अपलोड हुआ है, 29 जुलाई को आज ही अपलोड हुआ है, तो आज से लेकर 30 दिनों तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप 13 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट रखी गई है। इसके अलावा देखिए, आप जब भी ऑफलाइन
फॉर्म सबमिट करेंगे तो सभी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी क्वालिफिकेशन है, उसके सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। कहाँ का एक्सपीरियंस है, कब से लेके कब तक का एक्सपीरियंस है, कितने बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, तो सारी बातें आपको मेंशन करनी होंगी। एनओसी आपको लगानी होगी यदि आप पहले से ही किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना कहाँ है। तो द रिक्रूटमेंट सेल एम्स भटिंडा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी आपको लिखना होगा। और किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो पोस्ट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, और एडवर्टाइजमेंट जो नंबर हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट जो नंबर हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, एम्स बीटी रिक्रूटमेंट सेल 1529। एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि पहले ही बता दिया है, अपर जो एज लिमिट है वो नर्सिंग के लिए 50 ईयर रखी गई है, लेकिन जो कैंडिडेट उसमें आपको ध्यान ये देना है, मान लीजिए आप अगर मान लीजिए एससी में हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं और आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तो वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी यानी आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको जनरल में इंक्लूड किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि जो 50 ईयर यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है उसमें भी आप ओबीसी से हैं तो 3 ईयर का एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर आप हैं तो फिर 5 ईयर का एक्स्ट्रा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो 55 ईयर तक भी अप्लाई किया जा सकता है। ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तो आपको शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा या फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया जाएगा, अगर नहीं जाता तो केवल आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान में आपको ये रखना है, यदि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट जाएंगे तो पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम लेने के बाद कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस क्या रखी गई है। तो देखिए फॉर्म की जो फ़ीस रखी गई है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको रिफंड नहीं होने वाली, जैसा कि नोटशीट में होती है। तो यहाँ पर 2360 जो रुपीज़ हैं प्लस 18% जो GST मिला के ये फ़ीस है, वैसे फ़ीस तो 2000 ही है लेकिन 360 जो रुपीज़ हैं वो 18% GST हैं, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और पेमेंट का जो लिंक है वो आपको दिया गया है, इसी लिंक पर आपको पेमेंट करना होगा ऑनलाइन मोड से। अदर टर्म और कंडीशंस की अगर बात करें तो आपके लिए प्रोबेशन जो पीरियड है वो 2 ईयर का रहने वाला है। इसके अलावा हालांकि आपको प्रोबेशन पीरियड में भी फुल सैलरी मिलेगी, इसके अलावा जो भी अलाउंसेस मिलते हैं नर्सिंग में ANS को जो भी मिलते हैं, या फिर मान लीजिए टीचिंग में नर्सिंग को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, वो सभी आपको एडमिसेबल होने वाले हैं, उसमें आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरी है आपकी तो आप जो मेल दी गई है इसके ऊपर मेल कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे, जो अदर वैकेंसी हैं उनको अर्बन या रूरल एरिया में भी पोस्टेड किया जा सकता है, तो आप वो देख लीजिएगा।